3 घंटे करवाया एनएच 334 बी टोल प्लाजा को फ्री। खरखौदा, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के आह्वान पर सोमवार को यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र से होकर गुजरने वाले मेरठ से लोहारू राष्ट्रीय राजमार्ग 334 बी के झरठी टोल प्लाजा को 3 घंटे तक फ्री करवाए रखा। इस दौरान थाना प्रभारी जसपाल सिंह व झरोट चौकी प्रभारी रामकुमार शर्मा पुलिस बल के साथ किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मौजूद रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 334 बी के झरठी मोड़ टोल प्लाजा पर दोपहर करीब 12 बजे भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष जय सिंह नकलोई के अगुवाई में 10-12 लोग पहुंचे और उन्होंने टोल को फ्री करवा दिया। इस अवसर पर किसानों का कहना है कि अब सरकार जवान पर वार कर रही है, युवाओं के भविष्य को ऐसे अंधकार में धकेलने की योजना तैयार की गई है कि इसे किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे में आज यूनियन के आह्वान पर सरकार को चेताने के लिए सांकेतिक रूप से 3 घंटों तक टोल फ्री करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक बैठक आयोजित कर आगामी फैसला अग्निपथ के विरोध में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से लिया जाएगा। 3 बजे यूनियन के पदाधिकारी टोल प्लाजा पर से उठकर चले गए, जिसके बाद टोल प्रबंधन ने टोल प्लाजा को फिर से शुरू करवा दिया। देखिए भाई जी, जो ये अग्निपथ है, अग्निपथ का जो बिल लेकर आए ना, ये दो दलाल ले गए, ये सरकार अमित शाह मोदी की नहीं, ये सरकार तो अडानी अंबानी की है, उन्हीं का बिल पहले था किसान विरोधी बिल लेकर आए दो, और अब युवाओं के लिए अग्निपथ का जो कानून बना है ये भी अडानी और अंबानी ने बना है। अब बच्चों के साथ क्या, 5 साल में बच्चा तैयारी करता है फौज की भर्ती के लिए 5 साल तक, और 4 सालों की नौकरी है, 5 साल कंप्लीट उन्हें अपने रोड पर रेस मार गए, अभी तैयारी की है और 4 साल में फिर उन्हें रोड पर बिठा देंगे लाकर वापस, तो बच्चे वहाँ से बर्बाद होने शुरू हो जाएंगे। क्यों, बॉर्डर पर अनुभव होता है, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की फौज की ट्रेनिंग होती है, 1 साल पढ़ाई की ट्रेनिंग होती है फौज की, 2 साल में कंप्लीट होता है, 2 साल वो क्या करेगा, क्या अनुभव होगा उसको, 4 साल के बाद उसको वापस बैठा देंगे। आपकी क्या मांग है इस विषय पर? देखो, हमारी किसान यूनियन की तरफ से यह था कि बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है उसमें विपक्ष तो है ही नहीं कोई, विपक्ष की भूमिका किसान यूनियन ही निभाएगी, यहाँ किसान नहीं मांगे रोड में बैठ कर सीमा पर जवान मांगे हथियार छोड़ कर, अगर सरकार मान के ठीक है, नहीं तो जवान भी हमारे साथ और किसान भी हमारे साथ। हमारी गुरु नानक सिंह चढ़ूनी की 22 तारीख को यहाँ के डिसा प्लान पूरे 5 जिलों की पंचायत है, और 21 तारीख की हमारी पूरे हरियाणा की जींद में एक वो है जनसभा है किसान यूनियन की, उसमें निर्णय लिया गया था कि हमारे 3 घंटे के लिए टोल बंद किए हैं, और अगर नहीं हुआ तो हमारी 22 तारीख को बड़ी पंचायत है, उसमें हमारा बड़ा फैसला लिया। आपका नाम और गाँव का नाम? मेरा नाम पूर्ण प्रधान, गोड़ा तहसील, गाँव छिछड़ाना से। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मैं भोला पहलवान परवाना माजरा, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष। देखिए ये जो टोल पे आकर आज किसान यूनियन के पदाधिकारी और सब किसान मजदूर आके बैठे हैं युवा, तो सिर्फ और सिर्फ जो सरकार का जो ये स्कीम आई है बच्चों के लिए 4 साल के लिए, अग्नि उसको बोलते हैं, तो क्या है कि ये हमारा जो युवा है उसको बेरोजगार करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नहीं कि भाई आप ये मत देखो कि वो 4 साल कि वो बच्चों को रोजगार दे, वो 4 साल के बाद जब हमारे बच्चे बेरोजगार होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, उस टाइम पर उनका जो एजुकेशन पीरियड है वो भी खत्म हो चुका होगा, 25 साल की उम्र वो पार कर चुके होंगे, उसके बाद वो क्या करेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि वो 25 साल के बाद जब बेरोजगार निकल के और ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे तो सरकार उनको क्या रोजगार दे। आज टोल पे आके जो हमारे किसान यूनियन के नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरुनाम सिंह चढ़ूनी, उनकी कॉल थी कि ये एक 3 घंटे के लिए बस एक सांकेतिक धरना है, इसके बाद 22 तारीख को गड्डी टोल गड्डी साबला गड्डी में बड़ी पंचायत होने जा रही है, वहाँ पे इस चीज़ को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उसमें कोई मांग ही नहीं है, अग्निपथ की जो योजना है वो सिरे से नकार दी है युवा ने, हमारे हमारे समाज ने, किसान ने, हमारे युवाओं ने वो सिरे से निकाल दी है, क्योंकि एक फौज में एक जवान जब जाता है तो वो उसका मनोबल होता है, उसकी इच्छा होती है, अंतरात्मा दिल से वो जाता है, वो पैसे के लिए नहीं जाता, वो अपना देश की सेवा करने के लिए जाता है। आप लोगों को भी पता है कितना जुनून होता है हमारे लोकल बच्चे होते हैं, उनमें स्कीम पूरी तरह खारिज कर दी है हमारे देश के युवाओं ने, ये स्कीम चलेगी नहीं इस देश में, नहीं युवा इसको चलने दे। उसी के विषय में 22 तारीख को गड्डी सांपला में पंचायत है, आप लोग आएंगे तो आपको पता लगेगा, हमारे किसानों के और जो युवाओं के विचार सुनेंगे तो आपको सारी बात पता लगेगी।
लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।